अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान फजल जालियावाला फ्रॉम जालियावाला कैटर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक इवेंट पर जहां पर मैं आपके लिए फूड व्लॉग कवर करने वाला हूं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो आज का हमारा इवेंट है वो कोई शादी हॉल नहीं है बल्कि एक क्रिकेट स्टेडियम है, आप पीछे देख सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू है आज के मेन्यू के अंदर। इसके अंदर हमारे पास दो बारबेक्यू आइटम्स हैं और साथ ही साथ बिरयानी है और दो मीठे के अंदर स्वीट डिशेज़ हैं हमारे पास यहाँ मौजूद है। बारबेक्यू में पहले कबाब है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कबाब में हमारे पास किस तरीके से कबाब बनते हैं। आमतौर पर जो है लोग सवाल करते हैं कि आप जो धागा का बनाते हैं और उसके बाद उसको फ्राई करते हैं, तो फ्राई के अंदर जब हमारे पास ये कबाब पहुँचती है तो उसमें धागा मौजूद नहीं होता, तो क्या आप इसमें धागा लगाते भी हैं कि नहीं लगाते हैं? हम बिल्कुल लगाते हैं। ये हमारा फ्राई का प्रोसेस स्टार्ट है कि आप देख सकते हैं ये ऑयल लेकर आए हैं और ये इस पर जो है तड़का लगाया जा रहा है घी का। उसके बाद इसके ऊपर जो है अदरक लगाई जाएगी। हमारे पास जो दूसरा बारबेक्यू आइटम है वो है चिकन मलाई बोटी और उसकी तैयारी चल रही है, आप पीछे देख सकते हैं चिकन मलाई बोटी। आप देख सकते हैं फाइनली ये हमारी मलाई बोटी, आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। ये हमारा आज पूरी पराठा है, आप देख सकते हैं ये पेड़े हैं हमारे और ये हमारा पूरी पराठा बन रहा है। आप पराठे का साइज देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है। ये रेडी हो चुका है और अब इसको निकाला जाएगा। जबरदस्त, बहुत ही आला। ये पराठा रेडी है और ये अब कटिंग किया जाएगा। इस तरीके से 14 से 16 एवरेज पीस निकलते हैं एक पराठे के अंदर, ये देख सकते हैं आप। आज के मेन्यू में हमारे पास जो बिरयानी है वो नॉर्मल बम्बई बिरयानी नहीं है जो नॉर्मली आपको बाजार में मिल जाती है। आज जो बिरयानी है वो है बीफ की वाइट बिरयानी, फुल जूसी, फुल स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार। इसी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, बहुत ही जूसी, बहुत ही स्पाइसी। आप मीट भी देख सकते हैं। ये आज की मेन्यू में हमारे पास वाइट बिरयानी, माशाल्लाह। हमारे पास है अरेबियन कॉकटेल, बहुत ही अच्छा मीठा होता है। इसके अंदर दूध, कोमल, रबड़ी सब कुछ मौजूद है और कॉकटेल फ्रूट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं फुल क्रीमी है और ये फुल चिल्ड होकर सर्व होता है। आज हमारे पास मीठे के अंदर गाजर कलवा भी है, इसके अंदर दूध डाला गया है और इसको हल्की फ्लेम के ऊपर रखा गया और अब इसको मिक्सिंग की जा रही है। सबसे आखिर में हमारे पास ये मौजूद है चाय, आप देख सकते हैं, और साथ में हमारे पास कावा भी मौजूद है। तो ये था आज का हमारा पूरा मेन्यू जो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद है आपने देखकर से खूब एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।